हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 12th अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी 11th पास किया हुआ है और 12th में आ रहे हैं और अब डिफेंस में जाना चाहते हैं। आप सभी लोगों ने बोला था कि सर अब हम लोग 12th में आ गए, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा और मैंने इसका एक नोटिफिकेशन भी डाला था, आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके भी मैं आपके आंसर्स दूंगा। दूसरा, ये गोल्डन चांस है क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि NDA 2 के लिए आपको करीब करीब 7 मंथ से ऊपर टाइम मिलेगा। कैसे वो समझ लीजिए, इस बार का जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर को एग्ज़ाम है और अगर आप देखें तो आपके पास पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के 17 डेज यानी 7 मंथ एंड 15 डेज से ऊपर और अभी भी ये 15 यानी ये 8 मंथ आपके लिए एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन मिल रहा है। अगर आप प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप इस NDA 2 को क्लियर कर सकते हैं। आप में से जितने 12th अपेयरिंग है मैक्सिमम लोग वो होंगे जो फर्स्ट टाइम NDA 2 देने वाले होंगे। हो सकता है ये सेशन आप जो सुन रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने मैसेज किया जो 12th अपेयरिंग थे इस साल पर उन्होंने NDA 1 का फॉर्म नहीं भरा, उनके लिए भी यूजफुल सेशन है। इवन ये सेशन सभी के लिए यूजफुल है जो डिफेंस में जाना चाहता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NDA 2 12th अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए स्पेशली सेशन ले रहा हूँ, पर हर बच्चा जो NDA में या डिफेंस में जाना चाहता है उन सभी के लिए यूजफुल सेशन है। सबसे पहले जो आप लोगों ने क्वेश्चन बोले थे या भेजे थे उनके मैं जवाब भी दूंगा। जैसे कुछ बच्चों ने लिखा था कि NDA इज माय लाइफ, राइट। आप इसके अलावा सर प्लीज प्रोवाइड मैथ ट्रिक्स, अलग अलग बच्चों के अलग अलग कमेंट्स हैं कि सर मेरा 12th अपेयरिंग है बट मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन और GAT के अच्छे से नहीं की, हाउ टू प्रिपेयर SSB, सर NDA 2 2019 का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, सर बैचेस स्टार्टिंग टाइमिंग क्या रहता है, आपका सेंटर कहां पर है, सर आई एम 12th अपेयरिंग स्टूडेंट, आई वांट टू बाय कोर्स, सर आई विल क्रैक NDA, इट इज़ माई प्रॉमिस। आप लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट है कि किस तरह से हम GAT के प्रिपरेशन करें। ये आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन, सर आई कैन क्लियर NDA, हाउ टू गेट कंसेप्ट वीडियो फॉर NDA मैथ्स, ये सब सारे आपके हैं। 21 अप्रैल को पेपर है, अभी उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारे आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग NDA 2 दे रहे हैं या देना चाहेंगे उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी NDA 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ बच्चों ने मुझे लिखा भी है कि सर अभी हमने NDA 1 के लिए प्रिपरेशन नहीं की इसलिए हम NDA 2 पे फोकस करना चाहते हैं। मैं आप सभी को जो NDA 1 देना चाहते हैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके लिए मैंने एक सेपरेट सेशन बनाया हुआ है कि NDA 1 को किस ढंग से प्रिपेयर करें, आप उस सेशन को जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं NDA 2 के लिए और जो 12th इस साल आने वाले हैं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों ने एक और क्वेश्चन भी भेजा है कि सर 11th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हुई तो आप क्या करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन के मैं आपके सॉल्यूशन देता हूँ और सारी बातें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि डिफेंस में जाने का सबसे अच्छा रास्ता है थ्रू NDA NA, उसके अलावा भी जैसे एक डायरेक्ट टेक्निकल ये TES भी होता है जिसमें आप 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन 70% अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पर उसका एक कट ऑफ मार्क्स होता है और इसमें आप बिना रिटर्न दिए भी डायरेक्ट आर्मी में जा सकते हैं। यानी आर्मी में जाने के लिए आपके पास एक तरीका NDA NA का एग्जाम देना, एक है TES, इसमें आपके 12th के परसेंटेज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली 70% मिनिमम क्राइटेरिया है, पर 80, 85 या 90 वाले बच्चों को ही कॉल आते हैं क्योंकि उनका कट ऑफ मार्क्स रहता है, जो बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से वो टॉप बच्चों को लेते हैं। दूसरा, एयरफोर्स की बात करें तो आप NDA NA के थ्रू भी जा सकते हैं और XY ग्रुप के थ्रू, X ग्रुप या Y ग्रुप या XY ग्रुप के थ्रू भी जा सकते हैं, पर पोस्ट अलग अलग होती है। ऑब्वियसली NDA NA के थ्रू जाएंगे तो आप टॉप पोस्ट पर जाएंगे। तीसरा तरीका है, तीसरी आपको पता है विंग्स है नेवी, नेवी में जाने का तरीका एक NDA NA, दूसरा नेवी के थ्रू AASSR और MR, जो BTEC के थ्रू यानी आपके JEE मेंस के कट ऑफ के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो और इसमें भी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। यानी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं अगर आर्मी की, तो आर्मी एक ऐसा विंग्स है जिसमें कि 12th मैथ्स वाले बच्चों के साथ साथ कॉमर्स, आर्ट्स या बायो वाला भी अप्लाई कर सकता है, बट एयरफोर्स और नेवी में जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री है वही अप्लाई कर सकता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आर्मी में, पर अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट्स आर्मी में होती हैं, तो आर्मी में कॉमर्स, आर्ट्स, बायो या मैथ्स का स्टूडेंट जा सकता है, पर एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। एक एवरेज बात करें हम एज की तो 16.5 से 19.5 के बीच में होना चाहिए, वो डेट्स दी रहती है उन्होंने। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो upsc.gov.in पे मिलेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन, भले मैं भी बता रहा हूँ तो भी मैं एक बात हमेशा बोलूंगा
कई बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना चाहिए, मैं बता रहा हूं उसके बाद भी। तो ये सारी चीजें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगी, बाकी जो जो नाम आप ले रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। मैं टेंटेटिव आपको तरीका बताता हूं, क्योंकि इस बार एग्जाम्स के लिए अच्छा टाइम मिल रहा है। लास्ट ईयर अगर आप देखें तो एग्जाम सितंबर में था, तो जो 12th अपेयरिंग बच्चा था उसके पास टाइम कम था, बट इस बार टाइम काफ़ी अच्छा है। नवंबर तक ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में भी और हम भी अपना 12th तक का सिलेबस कवर कर लेते हैं, यानी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और याद रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर का NDA 1 यानी 2020 का NDA 1 के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम होगा। अगर लॉजिकली देखें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, 4.5 मंथ्स ही मिलेंगे और उसमें भी आपका 12th का एग्जाम होगा। यानी जो बच्चा 12th अपेयर हो रहा है और NDA 2 देने वाला, उसके लिए एक गोल्डन चांस है। और एक और बात बोलना चाहूंगा कि समझिएगा, लास्ट ईयर जब 2018 में NDA 1 का एग्जाम, NDA 2 का एग्जाम हुआ था, जब सितंबर में हुआ था, मैंने यहां पर इम्पिटस गुरुकुल में एक छोटा सा बैच स्टार्ट किया था। बच्चों के कहने पे केवल 12 बच्चों का बैच था, उसमें 6 बच्चे सेलेक्ट हुए। उस 6 में से, क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, उन 6 में से एक ने फाइनली SSB भी निकाला, जिसका इंटरव्यू आपने देखा। ऑनलाइन कोर्स में मोर देन 120 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, उसमें कई सारे SSB में सेलेक्ट हुए, जिनके इंटरव्यू जब वो भोपाल सेंटर विजिट करेंगे तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, आप सुनिएगा। तो ऑनलाइन का एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, आज बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। फिर अब NDA 1 2019 अभी होना है, एक स्मॉल बैच है 20 स्टूडेंट का, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे सिलेक्ट होंगे और जब वो रिजल्ट आएगा तो मैं आपको उन बच्चों से मिलवाऊंगा भी और ऑनलाइन वाले बच्चे भी। अब बात आती है कि NDA 1 के लिए सेशन लेना क्यों जरूरी था, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूसली मैसेज या फ़ोन करते थे कि सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, इसलिए मैं ये सेशन अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि इस बार जो आपको 7.5 मंथ्स या 8 मंथ मिले, इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। इवन आपका 11th का सिलेबस नहीं हुआ उसको भी आप कवर कर सकते हैं, 12th को भी कवर कर सकते हैं, और 12th के साथ कैसे मैनेज करें ये चीज़ें मैं आपको इस सेशन में बताना चाहूँगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि NDA 2 के लिए न्यू बैच इम्पिटस गुरुकुल में कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो है 8 अप्रैल से। ये भोपाल सेंटर पे ही होगा। अब आपके पास इम्पिटस गुरुकुल ज्वाइन करने के देर आर 3 अप्रोचेज। नंबर 1 कि आप ऑनलाइन कोर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का मतलब क्या, आप में से कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं बता दूं, ऑनलाइन कोर्स का मतलब है कि हमने आपके लिए कोर्स तैयार किया हुआ है जो क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है, उसमें मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो पूरा कवर है, साथ में GS और फिजिक्स के बेसिक वीडियोस के साथ कंप्लीट टेस्टिंग को हमने इसमें इंक्लूड किया है। हर वीक आपको टेस्ट पेपर भेजे जाएंगे, आप इससे पढ़ के भी घर रहते हुए प्रिपरेशन कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा कि आप क्लासरूम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा, इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोर्स लेके अभी पढ़ाई चालू कर दें, आपको इन बिटवीन कभी भी लगे तो आप क्लासरूम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लासरूम कोर्स की फ़ी में ऑनलाइन कोर्स वाला फी माइनस हो जाता है। और फोर्थ वे कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन मैं ये सोच के नहीं ले रहा हूँ, मैं ये सेशन ये सोच के ले रहा हूँ कि आप जो भी चाहें कोई ना कोई एक एक्शन ले लें। अगर आप सच में सीरियसली डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपकी सोच बिल्कुल आइडियली प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक होना चाहिए। क्लासरूम कोर्स ऑनलाइन कोर्स का एडवांटेज ये होता है कि आप कई सारी टेक्निक सीखते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच सीखते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। पर आप सेल्फ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना ही चाहिए, और वो डिसिप्लिन किसी भी समय लगेगा, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे क्लासरूम कोर्स हो या सेल्फ स्टडी हो। बट अगर आपने डिसाइड किया कि आपको डिफेंस में जाना है, जैसे मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मुझे 12th के पेपर के बाद फ़ोन करते हैं कि सर अब NDA में 20 दिन बचे हैं या 25 दिन बचे हैं, हम कैसे पढ़ें, अभी तक हमने पढ़ाई नहीं की। ये सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए कि आपको ये पता है कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला है और इस बात के लिए आपने फॉर्म भी पहले से भरा है। इवन कई बच्चों ने बताया सेप्टेम्बर अटेम्प्ट भी दिया, उसके बाद भी आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। तो फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हमेशा प्रिपरेशन और एक्शन लेने से होता है। तो इस सेशन का पर्पस क्या है वो समझ लीजिए कि आप अगले 7th और 8th मंथ बहुत डिसिप्लिन पढ़ाई करिए। और याद रखिए कि IIT और NDA में एक डिफरेंस है। IIT एक सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम है जिसमें PCM का बहुत स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए, पर NDA में आपको मल्टी डायमेंशंस लगेगा, एक बहुत ही एक्टिव डिफरेंट पर्सनालिटी आपको लगेगी। तो आपको पहले खुद से असेस करना है कि आप वो हैं या नहीं है। डिफरेंट पर्सनैलिटी का क्या मतलब है वो समझिएगा बहुत अच्छे से, और ये सेशन सब क्योंकि NDA 2 के लिए मैं रेगुलर लेता भी रहूँगा तो आप समझिएगा डिफरेंट पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, क्योंकि आपको आगे जाके एक SSB का एग्जाम भी देना है।
जिसमें वो आपकी हर तरह से टेस्टिंग करेंगे, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, यानी आप तीनों में कितने स्ट्रांग हैं, डिसीजंस मेकर आप कितने स्ट्रांग हैं, आईक्यू आपका क्या है। दूसरी बात, जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो एनडीए के रिटर्न की जब बात की जाती है तो एनडीए के रिटर्न में एक तो मैथ्स होता है जिससे कि आपका लॉजिकल ब्रेन पता चलता है, एक जीएटी होता है, जीएटी में आपको पता होना चाहिए कि एक इंग्लिश पार्ट है, एक जीएस पार्ट है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायो है, पर इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो 200 मार्क्स का होता है लगभग। जीएस की बात करें ये भी लगभग 200 मार्क्स का, और जीएस मतलब जनरल स्टडीज जिसमें सब कुछ आता है, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ, यानी वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हैं वो सब। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो लगभग 100 मार्क्स का मान लीजिए, केमिस्ट्री 50, बायो भी 50, अगर इस तरह से देखें तो लगभग 600 का, ये अप्रोक्सीमेट है, 600 मार्क्स का आपको जीएटी का पेपर मिलता है और 300 मार्क्स का आपको मैथ्स का पेपर मिलता है। यानी आपको हर तरह से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप समझिए अगर आप एनडीए एनए की बात करते हैं, और याद रखिए मैंने जो और बाकी के एग्जाम्स लिखे हैं, एनडीए एनए या आप टीएस की बात करें तो डायरेक्ट एंट्री है, पर एक्स वाई ग्रुप की बात करें, नेवी के एसएसआर की बात करें, किसी की भी, सब में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, बस क्वेश्चंस का पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेवल अलग अलग हो सकती है। जैसे एक्स वाई ग्रुप में हम बात करें तो थोड़ा सा फिजिक्स हायर लेवल पे होता है, मैथ्स कम होता है, ऑनलाइन एग्जाम है, ये थोड़े बहुत डिफरेंस है। पर अगर आप एनडीए एनए की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एक तरह से, और इस बार ग्रुप इम्पिटस गुरुकुल में हम आज ऑल एग्जाम्स को टारगेट करके ही चलेंगे जिससे कि हम अपने आप को अच्छे से डेवलप कर पाए। तो मैं बात कर रहा था कि आईआईटी में हमें टोटल सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे, और बहुत हायर डिग्री पे। बट जब हम एनडीए की बात करते हैं तो मैथ्स पे एक अच्छा कमांड लगेगा, पर फिर भी कंपेयर टू आईआईटी मैथ्स की बात करें तो डेविल में काफी डिफरेंस है। दूसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो 11th 12th की फिजिक्स नहीं पढ़नी होती, 11th की बेसिक फिजिक्स और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री 11th का बेसिक ओरिएंटेशन, 10th का, बायो एब्सोल्युटली 10th का लगेगा, बट इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कमांडर बनते हैं, आप टॉप पोस्ट पर जाते हैं, तो अगर आप टॉप पोस्ट पर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका लैंग्वेज पर अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड को पूरा देखना है, आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, आपको अपनी टीम को लेके चलना है, तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरल स्टडीज आप समझ सकते हो, क्योंकि जब तक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पता होगी, पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं पता होंगे, ज्योग्राफी नहीं पता होगी, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी ये एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम है। तो अगर सपोज आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो भी, आप ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ते हैं तो भी, इवन क्लासरूम में भी जो बच्चे आते हैं उनको भी मैं यही बात बोलता हूं, और वो सुबह से यहां 8 बजे आते हैं तो रात को 8 बजे तक रुकते भी हैं, कि आपको बहुत सारी हैबिट डेवलप करना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं एसएसबी, तो एसएसबी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट होती है, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर एसएसबी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट होती है, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एसएसबी की प्रिपरेशन उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप सोचते हो कि आपको डिफेंस में जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको डिफेंस में जाना है तो एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं सर कि एसएसबी के लिए कहाँ पर ज्वाइन करें। एक और बात बोलना चाहूंगा, इस बार से इम्पिटस गुरुकुल में एसएसबी की भी ट्रेनिंग रहेगी, बट एसएसबी की ट्रेनिंग किस ढंग से रहेगी वो बता दूं, दो पार्ट में रहेगी। एक पार्ट जिस दिन से आपने डिफेंस में सोचा उस दिन से स्टार्ट होगा, दूसरा पार्ट आपके रिटर्न एग्जाम के पास। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि जिस दिन से आपने डिफेंस के लिए सोचा उस दिन से एसएसबी के लिए क्या प्रिपरेशन करना। नंबर वन, आपको अपने आप को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तैयार करना है, यानी आपको अपनी लाइफ में सबसे पहला रूल एक बहुत प्रॉपर डिसिप्लिन लाना है। डिसिप्लिन इन द सेंस इन एवरी डे, आप 2 दिन बहुत पढ़ते हैं, 3 दिन नहीं पढ़ते, ये लाइफ का डिसिप्लिन नहीं। आपके उठने का टाइम एक दिन 5 बजे, एक दिन 10 बजे, नो, आप कभी 2 बजे खाते हैं कभी 4 बजे, नो, यानी सबसे पहले आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, नंबर वन थिंग। नंबर टू, आपको रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, और उन इवेंट्स पे आपके अपने थॉट्स और आपकी अपनी रिएक्शन होना चाहिए कि अगर मैं इस प्लेस पे होता तो मैं क्या करता, अगर मैं डिफेंस में होता तो डिफेंस जो रिप्लाई दे रही, जैसे अभी पाकिस्तान ने हम पे छोटा सा अटैक किया, फिर इंडिया ने एयर स्ट्राइक किए, छोटी छोटी इवेंट्स हैं, उन पे आपका अपने आप से रिएक्शन क्या होता। हो सके तो आप अपने आप को इंडियन आर्मी की या नेवी की या एयरफोर्स की ड्रेस सिलवा के हफ्ते में एक दिन पहनना चालू करें, जब आप पहनेंगे तो आपको वो फील आएगा। यानी एसएसबी की पहली प्रिपरेशन कोई इंस्टीट्यूट से नहीं होती है, पहले सेल्फ स्टार्ट होती है, और वो स्टार्ट होती है रिटर्न टेस्ट के पहले। और सेकेंड होती है, कोई भी आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, पर वो सेकेंड राउंड है,
और उसकी क्या जरूरत है, वो एक आपको ग्रूम करेगा कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप किस ढंग से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, एक बेसिक जो चीजें आप पहले से डेवलप कर चुके होंगे उसी को डेवलप करने के लिए। पर आप ये सोचो कि मैं अगर 14 दिन 15 दिन का एकेडमी ज्वाइन करके एसएसबी निकाल लूंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपका हर काम में एक प्रॉपर डिसिप्लिन एटीट्यूड झलकना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप नेवी में या आर्मी में या एयरफोर्स में क्यों जाना चाहते हैं। अगर ये विजन क्लियर नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते केवल पैसे के लिए। नो, आप बोलते हैं, आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं जान भी दे सकता हूं। याद रखिएगा कि एसएसबी में वो ये बच्चे सेलेक्ट नहीं करते जो जान दे सकते हैं, वो उनको चाहिए ऐसे लोग जो जान ले सकें, जो कंट्री के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं उनकी जान लेना आना चाहिए। आपको अपने आप को बचाते हुए कितने लोगों को आप मार सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप अपनी टीम को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये हर दिन के एटीट्यूड से आएगा। तो वो चीज़ आपको डेवलप करनी है कब, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो अभी से, अगर वो क्वालिटीज आप में हैं तो आप डिफेंस की तरफ सोचिए, नहीं तो फिर रिटर्न टेस्ट निकालने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं बता दूं आपको, कई लोग दो दो तीन तीन बार एसएसबी देते हैं पर आउट क्यों होते हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं होता। अगर विजन क्लियर है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हो। अभी अभी मैं आपने देखा राज पटेल के 12th में 48% थे, उसके बाद भी उसका रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू भी निकला और एसएसबी फाइनल सिलेक्ट भी हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि विजन क्लियर था, ऑब्जेक्ट क्लियर था। तो आप सबको मैं एक बात बोलूंगा, अच्छा इसके बाद एक और चीज बोलूंगा, कुछ बच्चों ने ये बोला था कि सर 48 वाले कैसे डिफेंस में जा सकते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एनडीए एनए में कहीं पे 12 का परसेंटेज नहीं मांगा जाता। हाँ, अगर आप टीएस के थ्रू जा रहे हैं या एक्स वाई ग्रुप के जा रहे हैं या नेवी की तरफ, तो अलग अलग परसेंटेज, जैसे टीएस ग्रुप के लिए 70 वाला ही अप्लाई कर सकता है, तो ये डिफरेंट चीज है। तो क्राइटेरिया देखिए, आप कई बार अवेयरनेस की कमी होती, सोचिए कि कितना अच्छा एग्जाम है और बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस हैं, बहुत फैसिलिटीज है, सब कुछ है, पर आप इसको देख के जा रहे हो तो आप सिलेक्ट नहीं होगे। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो अपनी इस कंट्री के लिए, आप क्या देख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आप कहीं रोड पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, तो आपका रिएक्शन क्या होता है, आप उस समय क्या एक्शन लेते हो, वो चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। कहीं कोई लड़ाई हो रही तो आप अपने आप को कैसे रिएक्ट करते हो और उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी इस बेसिक प्रिपरेशन को आपको, अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो भी आपको अपने लेवल पे स्टार्ट कर देनी है। आप क्लासरूम कोर्स में आते हो तो मैं ये हर बार बोलता हूं और आपको आगे भी बोलता रहूंगा, आप सेल्फ स्टडी करते हो तो भी ये चीजें डेवलप करो। अगर ये सब क्वालिटीज हैं तो आप डिफेंस के लिए एक आइडियल कैंडिडेट है। नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप आईआईटी की तैयारी करें, आप एनआईटीज की तैयारी करें और क्लैट की, जिसकी भी करना चाहे करें, पर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपकी फील्ड, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए, आप बहुत स्ट्रांग और इमोशनली बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। यानी हर एंगल पे आपके डायमेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखो जैसे रफ कॉपी में जब हम गंदा लिखते हैं, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि रफ कॉपी में गंदा क्यों लिख रहे हो। बच्चे बोलते हैं सर हम फेयर में अच्छा लिखेंगे, पर याद रखिए फेयर कॉपी का फर्स्ट पेज अच्छा होता है, पर थर्ड पेज वही होता है जो रफ कॉपी का पेज होता है। यानी कोई काम दुनिया में रफ नहीं होता, आप हर काम को फेयर की तरह करने की आदत डालो, फेयर काम में अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। यानी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को अभी से इंप्रूव करना चालू कर देना चाहिए, वो दिखना चाहिए आपको। अगर वो दिख गई, आप डे वन में सिलेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी सिलेक्ट हो गए। दूसरा, आपको कोई ना कोई एक फिजिकल और एक स्पोर्ट जरूर ज्वाइन करना चाहिए, उसका बेनिफिट मिलता है, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधरती है। तो आप बैडमिंटन खेलें, लॉन टेनिस खेलें, स्विमिंग करें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, क्रिकेट, कोई ना कोई एक गेम, और कम से कम 30-35 मिनट की रनिंग, यानी 1 आवर से 1.5 आवर रेगुलर फिजिकल वर्क एवरी डे करना है। वो 14 दिन की ट्रेनिंग में नहीं करना है, वो 15 दिन की रिटर्न के एग्जाम के बाद नहीं करना, हर दिन करना है। यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ आपको करनी है। फिर ये एक हुई बेसिक प्रिपरेशन एसएसबी की। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप अपने 11th 12th को बहुत हाई लेवल पर जाके पढ़ाई नहीं करनी, आपको आईआईटी लेवल पे नहीं सोचना, बल्कि आपको एक बेस प्रिपरेशन स्ट्रांग करनी है, फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। याद रखिए वो पेड़ ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है जिसकी जड़ों में पानी देते हैं, ऊपर पत्तों पे नहीं डालना है, जड़ों में डालोगे तो फल अपने आप अच्छे आएंगे। तो आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है। एनसीईआरटी की बुक्स हैं किसके लिए, एनडीए के लिए, यानी आपको 9th 10th की एनसीईआरटी की बुक भी रखना है, जिसमें आप सोशल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ें। एनसीईआरटी के लिए 9th 10th की सोशल साइंस बेस्ट बुक है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाली है। आप लोग पूछते हैं क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल ध्यान रखें, मैथ्स में एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी है, पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन की टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो ऑनलाइन कोर्स में, उन सबको बहुत ध्यान से देखो, आपको बिल्कुल अटेम्प्ट बनेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 9th 10th की बुक संभाल के रखिए, एनसीईआरटी की 11th का बेसिक देखना आपको। यानी आप एक बेसिक तरीके से अपने आप को तैयार करें, और अगर सीरियसली एनडीए देना चाहते हैं तो अभी से जुट जाएं और कोई ना कोई एक डिसीजन ले लें,
चाहे आप क्लासरूम कोर्स करें, चाहे ऑनलाइन कोर्स करें, चाहे दोनों करें, या आप सेल्फ स्टडी करें, पर कम से कम एक कोई डिसीजन लेके इमीडिएटली मूव करें, आगे बढ़े, सारी इंफॉर्मेशन सही निकालें और पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करें। बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है 17 नवंबर। आप सोचिए कितना अच्छा टाइम है। लास्ट ईयर जहां सितंबर में हुआ था, इस बार आप सोचिए कि आपको नवंबर तक का टाइम मिल रहा है। और 12th अपेयरिंग बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा, आपके पास नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ्स 12th के लिए प्योर रहेंगे। आप 12th का भी एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल लेंगे और हर दिन के रूटीन में जो टॉपिक आप 12th का पढ़ते हैं उसी टॉपिक को कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, दोनों मैनेज होंगी, स्कूल भी मैनेज होगा और एनडीए भी मैनेज होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डमी स्कूल में एडमिशन की जरूरत नहीं है। रेगुलर जाना चालू करिए, एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, देखिए आप कैसे आपका अच्छा सिलेक्शन नहीं होता, बिल्कुल होगा और बहुत अच्छे से होगा। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, इमीडिएटली एक्शन ले लीजिए। जो लोग 12th पास आउट हैं उनको भी एक बार से बोलना चाहूंगा कि अगर आपने एनडीए 1 के लिए सीरियस नहीं है, नो प्रॉब्लम, पर एनडीए 1 के लिए पॉजिटिव माइंड से पेपर दीजिए। एनडीए 2 के लिए सफिशिएंट टाइम है और ये एनडीए 2 एक ऐसा एग्जाम है कि मैं श्योर हूं कि अगर आपने पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन की तो आप रिटर्न भी निकालेंगे। और SSB के लिए मैंने बोला, आप अभी से अपनी क्या प्रिपरेशन करना है वो ध्यान रखिए और याद रखिए, SSB में केवल वही स्टूडेंट जा सकते हैं जो कि रिटर्न निकालेंगे। अगर आप रिटर्न नहीं निकाल सकते तो आप SSB में नहीं जा सकते। इसलिए मिसकंसेप्ट मत रखिएगा, रिटर्न के बिना SSB नहीं हो सकता। SSB सेकेंड स्टेप, रिटर्न के लिए आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। बाकी SSB की पहली प्रिपरेशन आप अगर डिफेंस सोचते हो तो स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।